स्टडी हो, ऑफिस वर्क हो या कोई बिजनेस, हर काम के लिए फोकस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इंस्टीट्यूट में की गई एक रिसर्च में देखा गया कि अगर हम किसी काम के बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वापस फोकस और कंसंट्रेशन की उस लेवल तक पहुंचने में एज एन एवरेज 20 से 25 मिनट तक लग सकते हैं। लूजिंग फोकस इज वेरी इजी। एक नोटिफिकेशन के साउंड से भी आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, लेकिन इसी फोकस को वापस पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना हो या ऑफिस के असाइनमेंट को वक्त पर पूरा करना हो, किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए तो ज़रूरी है कि आपकी फोकस और कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग हो। बिना फोकस के किया गया काम काम ना करने के बराबर होता है, तो किसी भी काम को परफेक्टली करने के लिए ज़रूरी है आपकी फोकस पावर अच्छी हो। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ऐसी कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स जिन्हें फॉलो करके ईजिली आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बेहतर बना सकते हैं और अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं किसी भी काम में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। टिप नंबर 1, फाइंड आउट योर गुड टाइम। आपने ध्यान दिया होगा कि पूरे दिन भर में कुछ वक्त ऐसा होता है जिसमें आपका ब्रेन काफ़ी अच्छी तरह से फोकस कर पाता है और अच्छी तरह काम कर पाता है। दिन के अलग अलग टाइम में हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर कम या ज़्यादा होती रहती है। मोस्टली सुबह के टाइम में हमारा फोकस काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सुबह 9 से 10 बजे के बीच हमारा ब्रेन टफ कॉग्निटिव टास्क को हैंडल करने के लिए तैयार हो चुका होता है। आपके लिए ये अच्छा टाइम सुबह 6 बजे भी हो सकता है, 8 बजे भी हो सकता है, 5 बजे भी हो सकता है। जिस तरह फोकस करने के लिए एक अच्छा टाइम होता है, उसी तरह हमारे ब्रेन के डिस्ट्रैक्ट होने का भी एक फिक्स टाइम होता है, और ज़्यादातर ये टाइम दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच होता है। इस पीरियड में आपका ब्रेन काफ़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हम सभी के ब्रेन का शेड्यूल अलग अलग होता है और हमारा फोकस अलग अलग तरह से काम करता है। अगर आप किसी भी काम में अपना 100% फोकस करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने ब्रेन के नेचुरल शेड्यूल और टाइम पीरियड के बीच ही काम करें या फिर स्टडी करें। हो सकता है कि आपका ब्रेन सुबह 5 बजे बहुत अच्छा काम करता हो या दोपहर की एक नैप लेने के बाद आप अच्छी तरह से फोकस कर पाते हो। आपका ये क्वालिटी टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ब्रेन के इस टाइम को आप इजीली पहचान सकते हो, किस टाइम पर आप अच्छी तरह काम कर पाते हो, किस टाइम पर आपको अच्छी तरह से याद होता है। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके ब्रेन का क्वालिटी टाइम कौन सा है, कौन से टाइम पर आप अच्छी तरह से फोकस कर पा रहे हो। टिप नंबर 2, कीप योरसेल्फ बिजी। अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी काम में बेहतर तरह से फोकस कर पाओ तो इसके लिए ज़रूरी है खुद को बिजी रखना। खुद को बिजी रखने की बात जब भी आती है तो जो भी काम हम खुद को बिजी रखने के लिए करते हैं उनमें से मोस्टली काम प्रोडक्टिव नहीं होते। खुद को बिजी रखना यानी पूरे दिन का आपका जो भी एक्स्ट्रा टाइम है उसमें ऐसा कुछ करना जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करने का टाइम दे और साथ ही साथ आप कुछ नया भी सीख सको। हम में से मोस्टली लोग इस टाइम को या तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में वेस्ट कर देते हैं या फिर गेम खेलने में। अगर आप चाहते हैं अपनी फोकस पावर को इंक्रीज करना तो इस फ्री टाइम को भी आप यूटिलाइज कीजिए अपने फोकस पावर के लिए। इसके लिए आप एंटरटेनमेंट का सहारा ले सकते हैं, लाइक ऑडियो बुक सुन सकते हैं, बायोग्राफी सुन सकते हैं या दूसरी मोटिवेशनल स्टोरीज से कुछ नया सीख सकते हैं। ये सारा कुछ अगर आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाए तो आपके लिए कितना अच्छा, कितना टाइम सेविंग होगा। इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं कुकू FM ऐप। इस एप्लीकेशन में आपको मिलेगी अलग अलग तरह की ऑडियो बुक्स, बुक समरी, स्टोरीज के साथ मेडिटेशन, सेल्फ हेल्प और लीडरशिप से रिलेटेड कोर्स और पॉडकास्ट। ये सारा कुछ आपको मिलेगा कुकू FM ऐप पर। अपने फ्री टाइम में इन्हें सुनकर आप रिलैक्स भी हो सकते हैं और साथ ही साथ कुछ नया भी सीख सकते हैं। इसके बारे में और भी बात करेंगे, इससे पहले देख लेते हैं हमारी टिप नंबर 3, लेट द ब्रेन वंडर। सुनने में आपको अजीब लगेगा लेकिन अपने ब्रेन को भटकने के लिए अलाउ करना आपको अच्छी तरह फोकस करने में मदद करता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज में देखा गया कि हमारा ब्रेन पूरे दिन का 40-50% टाइम डे ड्रीमिंग में निकाल देता है। इस बारे में काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद कन्फर्म हुआ कि डे ड्रीमिंग कोई ग्लिच नहीं है बल्कि हमारे ब्रेन के काम करने की ही एक प्रोसेस है। अच्छी तरह फोकस और कंसंट्रेशन करने के लिए ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क के काफ़ी सारे पार्ट्स की ज़रूरत होती है।
जैसे फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है। साइकोलॉजिस्ट पॉल सेली ने बताया, अगर हम इंटेंसली डे ड्रीमिंग करते हैं तो हमारे फोकस पावर पर कोई असर नहीं होता या फिर इसका निगेटिव असर भी हो सकता है। लेकिन अगर एक्सीडेंटली और अनइंटेंशनली डे ड्रीमिंग की जाती है तो आपकी फोकस पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। टिप नंबर 4, नेवर फोर्स योरसेल्फ, काम करना हो या स्टडी। एक बड़ी गलती जो हम में से मोस्ट लोग करते हैं वो है खुद से फोर्सफुली काम करवाना। एक लास्ट चैप्टर और एक आखिरी असाइनमेंट, ऐसे करके जो हम खुद को फोर्स करते हैं, ये हमारे ऊपर, हमारी फोकस पावर के ऊपर काफ़ी नेगेटिव असर डालता है। फोर्सफुली अगर आप किसी भी काम को करते हो तो आप उस काम में अपने 100% एफर्ट्स नहीं दे पाते। चाह कर भी आप उस काम को परफेक्टली नहीं कर सकते और फोकस करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप कोई काम करें, उस काम को तब तक ही कीजिए जब तक आप उसे कर सकते हैं। अपनी एबिलिटी के आधार पर उस काम को पूरा कीजिए। छोटे से ब्रेक भी ले सकते हैं खुद को रिफ्रेश फील कराने के लिए, क्योंकि लंबे टाइम तक फोकस करने की कोशिश करना आपको वो सब भी बुला देता है जो आपने इससे पहले पढ़ा हुआ होता है। इसलिए ब्रेक लेना ज़रूरी है। हर काम आपको इंटरेस्टिंग लगे, ऐसा होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप जो काम कर रहे हो उसे एज अ चैलेंज लेकर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ऐसे ही अपने रूल्स को खुद बनाकर उन्हें फॉलो कीजिए और पढ़ाई को भी इंटरेस्टिंग बना लीजिए। ऐसा करना आपको फोकस करने में मदद करेगा और आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर अच्छी हो जाएगी। फोकस और कॉन्सेंट्रेशन पावर को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी टिप्स और इससे रिलेटेड बुक आप कुकू FM पर सुन सकते हैं, जिसमें आपको और भी काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। इसका एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा सिर्फ 399 रुपीज में, यानी 1 रुपये पर डे से भी कम। और अगर आप यूज़ करते हैं हमारा कूपन कोड PSY20 तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 20% डिस्काउंट। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी डाउनलोड कीजिए कुकू FM ऐप। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 5, माइंडफुलनेस। आजकल के माहौल को देखते हुए हमारी डेली लाइफ में स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। ये स्ट्रेस हमारी फोकस पावर का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्ट्रेस फोकस और कॉन्सेंट्रेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। स्ट्रेस और फोकस का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि जब भी हम ज़्यादा अच्छी तरह से फोकस करना चाहते हैं तब हमारा स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस स्ट्रेस को कंट्रोल करना और फोकस को अच्छा करने के लिए ज़रूरी है कि हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस ट्रेनिंग लाइक मेडिटेशन हमें स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी स्ट्रॉन्ग इमोशन से अवेयर करने और इन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। अपने पूरे दिन के सिर्फ 5 मिनट आप अपने माइंड को काम करने के लिए ज़रूर दीजिए। मेडिटेशन आपकी फोकस पावर को इंक्रीज करने में एक बेहतर भूमिका निभाता है, तो इस तरह से आप अपने फोकस को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए कि आपको किस काम में सबसे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत पड़ती है। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए द साइकोलॉजी क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।